लखीमपुर खीरी में जमीन कब्जे को लेकर दबंगों ने उतारा पूर्व विधायक को मौत के घाट। विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। तीन बार के पूर्व विधायक निवेंद्र कुमार मुन्ना विवाद को सुलझाने में दबंगों ने उन पर भी प्रहार कर दिया। मारपीट के बाद पूर्व विधायक निवेंद्र कुमार की हालत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं उनके पुत्र संजीव कुमार मुन्ना को जमकर पीटा। त्रिलोकिया पडुआ बस अड्डे के मेन रोड पर स्थित जमीन पर चल रहा था मुकदमा। परिवार का आरोप है कि दबंग हथियार से लैस लोगों को लेकर आए थे कब्जा करने। परिजनों ने किशन कुमार गुप्ता नाम के शख्स पर आरोप लगाया है कि इनके साथियों ने मिलकर पूर्व विधायक व उनके पुत्र के साथ मारपीट की और पूर्व विधायक को मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित के पुत्र ने ये भी आरोप लगाया है कि जमीन कब्जा करने आए दबंगों का पुलिस भी साथ दे रही है। घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तहसील पलिया के ग्राम त्रिलोकिया पडुआ की है। क्या नाम है आपका, क्या करना हुई है? भैया मेरा नाम संजीव कुमार मुन्ना है, मैं पूर्व विधायक मुन्ना जी का बेटा हूँ। मेरी कुछ जमीन पडुआ अड्डे पे है, वो डिस्प्यूटेड है, केस चल रहा है। उस जमीन को जोतने के लिए पलिया के सेठ राधे किशन, उनके दोनों बेटे और पलिया का हिंदुस्तान का जो पेपर चलाता है धीरज, एक गुड्डू, 30-40-50 लोग अतरिया के लोग थे। इन लोगों ने जबरदस्ती जमीन जोती। मैं वहां जब हम लोग रोकने गए, मेरे पिता भी पीछे से पहुंचे, मेरे पिता को मारा, मुझे मारा, ऑन द स्पॉट मेरे पिता को मार दिया। जो जिन लोगों ने मारा उन लोगों को मेरे गांव के लोग पकड़ के घर पे लिया है। पलिया सीओ आके जबरदस्ती मेरी माँ पे, मेरी पत्नी पे जबरदस्ती लाठी चला के मेरे उन लोगों को छुड़ा के लेके चला गया। क्या उनकी मौके पे ही मौत होगी? मेरे पिता की मौके पे ही मौत हो गई। मैं पलिया ले गया, लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर कपूर की क्लिनिक बंद थी, सरकारी अस्पताल ले गया, मेरे पिता की डेथ मौके पे हो गई। पद खीरी के थाना संपूर्णा नगर में त्रिकोणिया पड़वा गांव में एक जमीन को कब्जे को लेकर पलिया के रहने वाले किशोर कुमार गुप्ता अपनी जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। मौके पर पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध प्रकट किया गया। विरोध और कहासुनी के दौरान मौके पर विधायक गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी पलिया ले आया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई है। मौत का कारण पोस्टमार्टम के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस अधीक्षक खीरी, एडिशनल एसपी खीरी मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में इसी जमीन के विवाद में पूर्व विधायक और उनके बेटे के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई भी की जा चुकी है। गांव पड़वा थाना संपूर्ण नगर में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय जी गिर पड़े, उनको सीएचसी पलिया ले जाया गया। वहाँ से उनको कपड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनके ब्रॉडबैंड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पर जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई।